दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नावल लॉर्ड ऑफ़ द फ्लाई से एक अहम टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट इन द नावल लॉर्ड ऑफ़ द फ्लाइज। इस टॉपिक का मतलब है कि इस नावल में कौन सा तनाज़ा चल रहा है या कौन सा मसला चल रहा है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सीखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, इसके बाद हम नावल लॉर्ड ऑफ़ द फ्लाइज में कॉन्फ्लिक्ट पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो कॉन्फ्लिक्ट की डिफिनीशन से। कॉन्फ्लिक्ट, अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ लिटररी डिवाइस दैट प्रेजेंट्स the struggle between two sides due to disagreement in values, desires and motivations, etc. यानी कॉन्फ्लिक्ट जिसको आम जुबान में तनाज़ा या झगड़ा कहा जाता है, ये वो अदबी आला है या ये वो अदबी ज़रिया है जो दो फरीकों या दो ग्रुप्स या दो इंसानों के दरमियान कुछ खूबियों, ख्वाहिशात या मुहर्रिकात वगैरह में इख्तलाफ की वजह से पैदा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि तनाज़ा या झगड़ा कब पैदा होता है? ज़ाहिरी बात है कि जब एक इंसान या एक ग्रुप में एक खूबी हो और दूसरे ग्रुप में या दूसरे इंसान में दूसरी खूबी हो, या एक ग्रुप एक ख्वाहिश रखता हो और दूसरा दूसरे किस्म के ख्वाहिशात रखता हो, तो उनके दरमियान जो जद्दोजहद या कोशिश होगी उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इट डज़ नॉट नेसेसरली नीड टू बी मैन वर्सेज मैन, बट कैन बी मैन अगेंस्ट नेचर एंड कैन बी मैन अगेंस्ट सोसाइटी एज वेल। ये बात आपने याद रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो तनाज़ा है या जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो झगड़ा है ये इंसान बमुकाबला इंसान हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का झगड़ा दूसरे इंसान के साथ हो, बल्कि ये इंसान और फितरत के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। यानी एक इंसान का फितरत के ख़िलाफ़ भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस तरीके से इंसान और समाज या मुआशरे के दरमियान भी ये तनाज़ा हो सकता है। ओके जी, अब हम आते हैं मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नावल की तरफ। इन द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी। यानी कहने का मतलब यह है कि नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में मरकजी या जो अहम कॉन्फ्लिक्ट है वो तहजीब और बर्बरीत के दरमियान झगड़ा है। सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? सिविलाइजेशन मीन्स रूल्स, ऑर्डर एंड बींग नाइस टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वेन द बॉयज ट्राई टू मेक रूल्स एंड बिल्ड शेल्टर्स ऑन द आईलैंड, इट इज सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी तहजीब का मतलब है कवानी, तरतीब और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना। यानी कवानीन बनाना, तरतीब से काम करना और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना। मसलन जिस तरह बच्चे कोशिश करते हैं वो रूल्स बनाने के लिए, या रूल्स बनाते हैं, शेल्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये तहजीब है। सेविजरी ऑन द अदर हैंड इज़ द अपोजिट ऑफ इट। इट इज़ अबाउट बींग वाइल्ड, मीन एंड डूइंग वट एवर यू वॉन्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, वेन द बॉय स्टार्ट हंटिंग एंड हर्टिंग ईच अदर, दैट इज सेवेजरी। इसका मतलब ये है कि सेवेजरी या वहशीपन जो है या बर्बरीत जिसको हम कहते हैं वो इसके बरकस है। ये क्या है? इट इज़ अबाउट बींग वाइल्ड, यानी जंगली बनना है, मीन कमीना, यानी गलत काम करने वाला जो होता है, ठीक है, एंड डूइंग वट एवर यू वॉन्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर्स, और दूसरों के बारे में सोचे बगैर जो चाहे वो जो बंदा करता है तो उसको हम कहते हैं सेवेजरी। फॉर एग्जाम्पल, वेन द बॉय स्टार्ट हंटिंग एंड हर्टिंग ईच अदर, दैट इज सेवेजरी। यानी जब लड़के शिकार करना और एक दूसरे को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं तो ये क्या है? इसको हम सेवेजरी कहते हैं। थ्रू आउट द स्टोरी द बॉयज ट्राई ईदर टू बिकम सिविलाइज्ड और सेवेज। राल्फ एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वांट टू कीप थिंग्स सिविलाइज्ड एंड ट्राई देयर बेस्ट टू रेस्क्यू द बॉयज। यानी पूरी कहानी में लड़के या तो महज़ब या वशी बनने की कोशिश करते हैं। राल्फ और उसके कुछ दोस्तों चीज़ों को महज़ब रखना चाहते हैं और लड़कों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बट जैक एंड हिज ग्रुप वांट टू बिकम वाइल्ड एंड डू वट एवर दे वांट, इवन इफ इट हर्ट्स अदर। लेकिन जैक और इसका ग्रुप जो है वो जंगली बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरों को तकलीफ पहुँचाएँ। ठीक है, वेन द स्टोरी प्रोग्रेसेस दिस कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स वर्स। इट शोज़ दैट हाउ पीपल कैन चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट विदाउट रूल्स एंड ग्रोन अप पीपल। जब कहानी आगे बढ़ती है तो तनाज़ा जो है वो और भी बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राबतर हो जाता है। इससे पता चलता है कि जब लोग बग़ैर उसूलों के और बग़ैर बड़े लोगों के रह जाते हैं तो वो कैसे उसके अंदर तब्दीली आती है, वो बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। एट फर्स्ट वी सी दैट द बॉयज आर फॉलोइंग रूल्स एंड बिल्डिंग शेल्टर्स विच शोज़ दे आर सिविलाइज। पहले तो हम देखते हैं कि लड़के उसूलों पर भी अमल कर रहे होते हैं और शेल्टर्स भी बनाते हैं जिससे ये जाहिर होता है कि वो महज़ब हैं। बट वेन साइमन एंड पिक आर किल्ड एंड द बॉयज स्टार्ट पेंटिंग दियर फेसिस विद ब्लड, इट शोज़ दैट द इनोसेंस एंड सिविलाइजेशन ऑफ द बॉयज हैव कम टू एन एंड। लेकिन जब साइमन और जो सुअर है या जो बेड़ है वो मारे जाते हैं और लड़के अपने चेहरों पर खून लगा लेते हैं तो ये जाहिर करता है कि लड़कों की मासूमियत या उसके अंदर जो तहजीब है वो ख़त्म हो गई है। द किलिंग ऑफ पिग, साइमन एंड पिगी इज़ द पीक ऑफ सेवेजरी।
अब ये जो सूअर है और साइमन और पिगी का जो कत्ल है, ये वहशीपन को अपनी पीक पर हमें दिखाता है, ठीक है। द बॉयज बिकम सो सेवेज दैट इन ऑर्डर टू किल राल्फ दे डिसाइड टू बर्न द होल फॉरेस्ट, बट लकीली ही इज सेव्ड एट द एंड ऑफ द नावल बाय अ नेवल ऑफिसर। लड़के इतने वहशी हो जाते हैं कि राल्फ को मारने के लिए पूरे जंगल जलाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से नावल के आखिर में नेवी का एक अफसर आ जाता है और उसको बचा देता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नावल इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी। मुख्तसरन ये कि हम ये कह सकते हैं कि नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का असल तनाज़ा या असल झगड़ा तहजीब और बर्बरीत के दरमियान झगड़ा है या मुकाबला है। ऑल द कैरेक्टर्स एंड देयर रोल्स शो दैट द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज़ दैट ऑफ सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी। तमाम किरदार और उनके जो रोल्स है, ठीक है, उनको जो काम हवाला किया गया है, उससे ये पता चलता है कि जो अहम मसला है इस नावल का वो या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिविलाइजेशन और सेवेजरी है। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व व्हेन एन एडल्ट द नेवल ऑफिसर सेव्स राल्फ फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेवेज बॉयज। ये तनाज़ा उस वक्त हल हो जाता है जब एक बड़ा बंदा नेवी ऑफिसर की सूरत में वो आता है और राल्फ को ये वहशी लोगों के ग्रुप से बचा देता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।